तो इमरान नजीर की दिमाग की बत्ती रोशन भी है और अच्छी भी है। तो देखते हैं इमरान, एक सवाल, चार ऑप्शन, उसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। जब भी हम किसी मेहमान से कहते हैं कि दिमाग की बत्ती रोशन करो, आवाज आती है टेन टेन। देखिए शॉट जो है ना छिक्का तब भी लगता है जब टाइमिंग अच्छी हो, उसमें भी बावजूद टोन। चलो जी, आपके ख्याल में इनमें से किस प्लेयर को क्रिकेट छोड़कर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर लेना चाहिए? मैं यू। चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना। आपको लगता है कि कामरान अकमल को क्रिकेट छोड़ के प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहिए? आपको लगता है कि शुएब मलिक को ऐसा करना चाहिए? आपको लगता है कि मोहम्मद हफीज साहब को ऐसा करना चाहिए, हालांकि वो कर भी रहे हैं मेरे ख्याल में? या आपको लगता है कि सरफराज अहमद को क्रिकेट छोड़कर अब प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहिए कराची में? अच्छा, सबसे पहले तो ये चारों का नाम ऑलरेडी ये क्रिकेट में बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट का। अच्छा, चारों ही कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसी बात है? लेकिन सरफराज ने क्रिकेट नहीं छोड़ी। नहीं तो क्रिकेट तो अभी मेरे ख्याल में चारों ने नहीं छोड़ी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगले ने जान छुड़वा ली। सवाल ये है, इनमें से किसको क्रिकेट छोड़ के? मेरे ख्याल है कि हफीज, क्योंकि उसको वैसे भी बड़ा इस चीज़ का शौक है। कामरान इज द बेस्ट रियल स्टेट में, उनका एक माशाल्लाह नाम है। अच्छा, यस यस, ओके, कामरान अकमल का। यस, क्या बात है, ठीक है। कामरान अकमल, आपका वैसे भी रियल स्टेट में बहुत नाम है, सो क्रिकेट अब छोड़ दीजिए और रियल स्टेट पे फोकस कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान नजीर कह रहे हैं। आपके ख्याल में इनमें से सबसे स्टाइलिश बैट्समैन कौन था? चार ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ब्रायन लारा, सईद अनवर, सचिन तेंदुलकर या फिर जय सूर्या। ब्रायन लारा, अमेजिंग, क्या बात है, मैं कहता हूँ। खेलें आप उनके अगेंस्ट? यस, बहुत अच्छा। यस, आपकी जिंदगी में अगर फिल्म बने, आपकी बायोपिक बने, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से एक्टर हैं जो कि आपका किरदार बहुत अच्छा निभा सकते हैं? चार ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर वन फाहद मुस्तफा, ऑप्शन नंबर टू मोहसिन अब्बास हैदर, ऑप्शन नंबर थ्री काशिफ महमूद, ऑप्शन नंबर फोर इफ्तिखार। मेरा ख्याल है काशिफ भाई, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि ऐसी कौन सी हसीना थी, ऐसी कौन सी हसीना थी, कह रहा हूं है की बात नहीं कह रहा, ऐसी कौन सी हसीना थी जो इमरान नजीर के ख्वाब में आके उसको तंग किया करती थी, या कभी इमरान नजीर की वो मैं ताड़ियाली जुगा था सान तो जो ख्वाब आया बाज उल्टे के, या कभी इमरान नजीर की वो ड्रीम गर्ल रहने का शर्फ हासिल है? इन चारों में से ऑप्शन नंबर वन महविश हयात, ऑप्शन नंबर टू करीना कपूर, ऑप्शन नंबर थ्री केट विंसलेट एंड ऑप्शन नंबर फोर नरगिस। केट विंसलेट, ठीक है। बाकी तीनों से मुलाकात हुई है ना, तो केट विंसलेट ठीक है। ये भला क्यों जवाब दिया दूर का, कि भाभी इनसे मिल नहीं सकती, इतनी दूर रहती हैं, यहाँ का नाम लेते भाभी ने चले जाना था। बीबी क्यों मेरे बंदे पे डोरे डालती रही हो तुम? अच्छा जी, अब मैं कुछ पर्सनैलिटीज के नाम लूंगा, आपने उनको किसी भी सियासतदान के साथ तस्वीर देनी है। पर्सनालिटी नंबर वन वकार यूनस, आई थिंक मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ, वकार यूनस, आप शहबाज शरीफ है, यानी कि आप मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं। चलें जी, नेक्स्ट शाहिद खान आफरीदी, किसी भी सियासतदान से तस्वीर दीजिए। आई थिंक इमरान खान लीडर, ओके। नेक्स्ट द फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस सो फार, शोएब अख्तर। नेक्स्ट वसीम अकरम, मेरे ख्याल में वो मेरी नजर में तो कोई मैच नहीं कर रहा, कोई नहीं, अबव है, अबव है, नो डाउट। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैमरे क्लोज कर लीजिए, देखते हैं कि इमरान नजीर इनके बारे में क्या कहते हैं। मिसबा उल हक, हक की बात करनी है। अच्छा, मिसबा उल हक, मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो। मिसबा उल हक आप हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं नहीं कह रहा, इमरान नजीर। इमरान भाई, ये नाम लेते हुए आपकी कापे नहीं टांगी। बहुत ही तालियां इमरान नजीर के लिए। मेरी जिंदगी में वैसे भी नहीं कभी था।